वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि TDA-2030IC से ऑडियो एम्पलीफाइंग मॉड्यूल कैसे बनाया जा सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक TDA-2030IC लेंगे और उसे हीट सिंक के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये इस आईसी का पिन कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक लो फ्रिक्वेंसी ए बी क्लास एम्पलीफाइंग आईसी है। जनरली इसका रेटेड आउटपुट पावर जो है वो 14 वॉट है, बट ये 14 वोल्ट पे अप्रॉक्सीमेटली 12 वॉट का पावर आउटपुट देता है। 14 वोल्ट की जगह हम लोग 12 वोल्ट का भी एक पावर सप्लाई ले सकते हैं, तो 12 वॉट से थोड़ा कम 10 से 11 वॉट तक आउटपुट हमें मिल जाता है। आउटपुट पावर जो है वो लोड का कितना रेजिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। लोड रेजिस्टेंस हम यहाँ पे स्पीकर का रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक ऑडियो एम्पलीफायर बना रहे हैं। अगर स्पीकर का रेजिस्टेंस 4 ओम होगा तो हमें 11 टू 12 वॉट ऑफ पावर आउटपुट मिलेगा। अगर 8 ओम रहेगा स्पीकर का जो रेजिस्टेंस होगा तो हमें 8 वॉट पावर आउटपुट मिलेगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। 10 किलो ओम का 4 रेजिस्टर, 5.6 किलो ओम का एक रेजिस्टर, 2200 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर, 220 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर, 2.2 माइक्रोफेराड 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर, 4.7 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर, 12 वोल्ट डीसी फीमेल सॉकेट, ऑक्स केबल जिसका कि ग्रीन वायर लेफ्ट या राइट आउटपुट है और वाइट वायर ग्राउंड है। सबसे पहले आईसी का फर्स्ट पिन के साथ 10 किलो ओम का रेजिस्टर को सोल्डर कर लेंगे। सेकंड पिन के साथ 5.6 किलो ओम के रेजिस्टर को सोल्डर कर लेंगे। थर्ड पिन के साथ 10 किलो ओम के रेजिस्टर को सोल्डर कर लेंगे। फिफ्थ पिन के साथ फिर से हम 10 किलो ओम के रेजिस्टर को सोल्डर कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। थर्ड और फिफ्थ रेजिस्टर के एंड पॉइंट को एक दूसरे के साथ सोल्डर कर लेंगे। अब 2.2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को फर्स्ट पिन के रेजिस्टर के साथ इस तरह से सोल्डर कर लेंगे। इसके बाद हम 2200 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लेंगे और उसके पॉजिटिव टर्मिनल को फोर्थ पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे। अब हम 4.7 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल को थर्ड रजिस्टर के साथ सोल्डर कर लेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को सेकेंड रजिस्टर के एंड पे सोल्डर कर लेंगे। अब 220 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को फिफ्थ पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को थर्ड पिन के साथ। अब हम फर्स्ट पिन के रजिस्टर को इस तरह से मोड़ लेंगे और उसे हम थर्ड पिन के रजिस्टर के साथ सोल्डर कर लेंगे। अब हम 12 वोल्ट पावर सॉकेट लेंगे। अब उसका रेड वाला वायर जो कि पॉजिटिव है उसे हम फिफ्थ पिन के साथ सोल्डर करेंगे। और ब्लैक वाला वायर जो कि नेगेटिव है उसे हम थर्ड पिन के साथ सोल्डर करेंगे। अब हम एक ब्लैक वायर लेंगे और उसे हम थर्ड पिन के साथ इस तरह से सोल्डर कर लेंगे। अब हम एक ग्रीन वायर लेंगे और 2200 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ सोल्डर कर लेंगे। अब हम ऑक्स केबल लेंगे और उसका वाइट वाला वायर जो कि ग्राउंड है उसे हम थर्ड पिन के साथ सोल्डर कर लेंगे। अब हम उसका ग्रीन वाला वायर लेंगे जो कि लेफ्ट या राइट ऑडियो इनपुट है और उसे हम 2.2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ सोल्डर कर लेंगे। अब हम 10K का एक रजिस्टर लेंगे और उसके एक एंड को फोर्थ पिन के साथ सोल्डर करेंगे और दूसरे एंड को सेकंड पिन के साथ सोल्डर करेंगे। अब हम 12 वॉट 4 ओम का स्पीकर लेंगे। अब स्पीकर का जो दो टर्मिनल वायर है
उसमें से एक वायर जो कि पॉजिटिव है जिसमें मैंने टेपिंग किया है उसे हम ग्रीन वाले से कनेक्ट करेंगे और दूसरा वायर है उसे हम ब्लैक वाले से कनेक्ट करेंगे। और ये जो ग्रीन और ब्लैक वायर है यही इस एम्पलीफाइंग सर्किट का आउटपुट है। मैं ग्रीन वाला वायर जो है वो नेगेटिव है और ब्लैक वाला वायर पॉजिटिव है। तो हमारा ये 12 वोल्ट डीसी एम्पलीफायर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ अच्छा सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसे नए नॉलेजेबल वीडियो लाए तो आप उसे सबसे पहले एक्सेस कर पाए। तो आइए अब इसे टेस्ट करते हैं। तो हमारे पावर सप्लाई ऑन करते ही स्पीकर से आवाज़ आने लगी जिसका मतलब है हमारा एम्पलीफाइंग मॉड्यूल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। Create a song.